दोस्तों, एशिया क्रिकेट काउंसिल ने यहाँ पर इस साल के एशिया कप को लेकर अनाउंस कर दिया कि 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच हमें यूएई में यहाँ पर एशिया कप देखने को मिलेगा। यूएई के तीनों स्टेडियम में यहाँ पर इस साल का एशिया कप खेला जाएगा। इसके साथ ही एशिया कप की अनाउंसमेंट के बाद अब एशिया क्रिकेट काउंसिल ने इस साल के एशिया कप के लिए 7 नए नियम और 7 बदलाव यहाँ पर अपनी तरफ से अनाउंस कर दिए। कुल मिलाकर इस साल के एशिया कप में हमें 7 नए नियम देखने को मिलेंगे। 7 नए नियमों से इस साल का एशिया कप खेला जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको उन 7 नए नियमों 7 बदलावों के बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कौन से नए नियम कौन से बदलावों के साथ आखिर इस साल का एशिया कप होगा, क्या क्या एशिया कप में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको इस वीडियो में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन मिलेगी, काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं इस साल के एशिया कप के यहाँ पर नए नियमों या फिर बदलावों की, कौन कौन से 7 बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले बदलाव की, तो जो पहला बदलाव या फिर जो पहला नया नियम लागू हुआ है वो है यहाँ पर फॉर्मेट को लेकर। दरअसल इस साल का एशिया कप हमें T20 फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल यहाँ पर ODI फॉर्मेट में एशिया कप खेला जाता है। हर साल या फिर हर एशिया कप का एडिशन ODI फॉर्मेट में हुआ है। यहाँ पर 1983 से एशिया कप की शुरुआत हुई थी, हर बार यहाँ पर ODI फॉर्मेट में एशिया कप हुआ है। केवल 2016 में T20 फॉर्मेट में एशिया कप होता है। इस साल भी T20 फॉर्मेट में हमें एशिया कप देखने को मिलेगा। इसके पीछे अगर हम बात करते हैं रीजन की, तो यहाँ पर इस साल T20 वर्ल्ड कप होने के कारण वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर T20 फॉर्मेट में एशिया कप कराने का फैसला लिया गया, तो T20 फॉर्मेट में हमें एशिया कप देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे बदलाव की, तो जो दूसरा बदलाव या फिर जो दूसरा नियम है वो है क्राउड को लेकर। दरअसल एशिया कप के दौरान हमें यहाँ पर फुल क्राउड देखने को मिलेगा, फुल कैपेसिटी के साथ हमें क्राउड देखने को मिलेगा, जहाँ पर कई कई जगहों पर तो अब भी यहाँ पर कोविड के चलते क्राउड को अलाउ नहीं किया जा रहा है। जहां पर कहीं पर तो 50%, कहीं पर तो यहां पर 60% क्राउड को केवल अलाउ किया जा रहा है, लेकिन यहां पर दुबई में यूएई में हमें यहां पर एशिया कप के दौरान 100% क्राउड देखने को मिलेगा। इवन भारत पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान हमें यहां पर 70-80 हज़ार क्राउड देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे बदलाव, तीसरे नियम की, तो जो तीसरा बदलाव या फिर नियम है वो है यहां पर अंपायर्स को लेकर। दरअसल एशिया कप के दौरान यहां पर अंपायर को लेकर एक काफी बढ़िया फैसला लिया गया, जहां पर न्यूट्रल अंपायर को एशिया कप के दौरान रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एशिया कप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की टीमें, तो इन देशों के एक भी अंपायर, एक भी मैच रेफरी यहाँ पर एशिया कप के दौरान नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के यहाँ पर अंपायर्स एशिया कप के दौरान हमें देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर यहाँ पर पाकिस्तानी अंपायर अगर इंडिया के मैच में होता है तो काफी अधिक अंपायर पर एलिगेशन लगती है, जबकि इंडियन अंपायर अगर पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान होता है तो उस अंपायर पर काफी अधिक एलिगेशन लगती है। इसी वजह से यहाँ पर एशिया क्रिकेट काउंसिल ने यह फैसला लिया है कि न्यूट्रल अंपायर्स को यहाँ पर इस एशिया कप के दौरान रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ओवरसीज अंपायर्स हमें एशिया कप के दौरान देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके बताइए एशिया क्रिकेट काउंसिल का ये सही फैसला है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं चौथे नए नियम की, तो जो चौथा नया नियम या फिर जो बदलाव रहेगा वो रहेगा स्मार्ट बॉल को लेकर। दरअसल एशिया क्रिकेट कप की हिस्ट्री में हमें पहली बार यहाँ पर स्मार्ट बॉल का प्रयोग देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर बॉल तो सेम ही रहेगी, लेकिन बॉल के अंदर एक चिप लगा दी जाएगी। चिप की सहायता से यहाँ पर ये सब कुछ पता किया जा सकता है कि यहाँ पर किस स्पीड से आखिर बॉल गई थी और बल्ले पर किस स्पीड से बॉल लगी, इसके साथ ही कितने डिस्टेंस का छक्का गया और जो छक्का गया वो किस स्पीड से आखिर गया है। तो कुल मिलाकर इतनी सारी चीजें यहाँ पर केवल बॉल की सहायता से मेजर करी जा सकती है। इवन यहाँ पर अगर बॉल क्राउड में अगर गुम जाती है तो बॉल को ट्रैक करके दोबारा से यहाँ पर खोज लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट बॉल भी अब हमें एशिया कप में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस साल के एशिया कप में एशिया क्रिकेट काउंसिल ने यह भी एक नया नियम, नया अनोखा नियम यहाँ पर लागू कर दिया है। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा ये बदलाव लगा। आप बात कर लेते हैं यहाँ पर पांचवे बदलाव की, तो जो पांचवा बदलाव या फिर जो पांचवा नियम है वो यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा को लेकर है। दरअसल एशिया कप के यहाँ पर सभी 13 मैचों में हमें यहाँ पर स्टेडियम में 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेंगे, वो भी यहाँ पर HD क्वालिटी के हमें कैमराज देखने को मिलेंगे, यानी बाउंड्री। इसके साथ ही अगर कोई कैच का यहाँ पर चांस होता है तो यहाँ पर अंपायर को सभी विजुअल इजीली मिल जाएंगे और इसके साथ ही मैच देखने का एक्सपीरियंस भी अब काफी नया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें एक नए तरीके से अब मैच के विजुअल या फिर फोटोज और वीडियोस हमें देखने को मिलेगी। आप कमेंट करके बताइए ये भी सही नियम, सही बदलाव है या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं छठे बदलाव की, तो जो छठा बदलाव है वो यहाँ पर बायो बबल को लेकर। दरअसल एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप में यहाँ पर बायो बबल को साफ तौर पर हटा दिया, कोई भी बायो बबल नहीं रहेगा। जहाँ पर करेंटली अभी भी वर्ल्ड में कुछ कोविड के केसेज है, लेकिन इसके बावजूद एशिया क्रिकेट काउंसिल ने अब बायो बबल को यहाँ पर कंप्लीटली इस साल के एशिया कप से साफ कर दिया, बायो बबल को अब हटा दिया। तो बिना बायो बबल के यहाँ पर क्राउड
के साथ 100% कैपेसिटी क्राउड के साथ हमें यहाँ पर अब एशिया कप देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सातवें और आखिरी बदलाव की, तो जो सातवां और आखिरी बदलाव या फिर जो नया नियम है वो जर्सीज को लेकर, दरअसल अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ लेकिन एशिया क्रिकेट काउंसिल ने ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एशिया कप में सभी टीमों को यहाँ पर दो दो जर्सीज दी जाए ताकि एक मैच में टीम अलग जर्सी का प्रयोग करेगी जबकि दूसरे मैच में अलग जर्सी का प्रयोग करेगी अफगानिस्तान। इसके साथ ही यहाँ पर श्रीलंका ने तो रिपोर्टेडली अलग अलग जर्सी तैयार कर ली। अब यहाँ पर अगर ये नियम यहाँ पर इस एशिया कप में अगर लागू हो जाता तो भारत पाकिस्तान जैसी टीमें हमें अलग अलग जर्सी में यहाँ पर मुकाबले खेलते हुए दिखेगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या ये नियम भी यहाँ पर एशिया क्रिकेट काउंसिल को इस साल के एशिया कप में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए सभी बदलावों में से आपको सबसे बढ़िया कौन सा बदलाव लगा है और कौन सी टीम को आप एशिया कप में सपोर्ट कर रहे हो, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।